ಕನ್ನನ ಹಿಡ್ತಿಪ್ಪೆ ಕನ್ನನ ಸಾರಿ ಹಿಡ್ತಿಪ್ಪೆ ಅದಿಗೋ ಸಿಸ್ಕೋ ಅದಿಗೋ ಅದಿಗೋ ಆಡಿ ಅದಿಗೋ ಆಡಿ ಅದಿಗೋ 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 ಅರೆ ಅಣ್ಣ ಆಡ್ ಎಕ್ರೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಎಕ್ರೆ ದರ್ಕನದಿ ಅದಿ ಆಡ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ ಚಿರ್ದನ್ನ अरे गट्टेकरा अदो दाने अर्थम धरा क्लारटी अंदर चले चले बोल 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 नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों अभी वीडियो देख रहे थे, एक शख्स इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को रास्ता में जाते समय एक स्पेक्टिकल कोबरा मिला, उसको लेकर के अपने हाथ से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक्चुअली ये शख्स जो है ऑलरेडी ड्रंक है, पहले से दारू पिया हुआ है और इनको कुछ व्यक्ति जो है उनको और उत्साह है। उसका आने का कारण वो सांप को लेकर के ये बार बार उसको खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी बॉडी में कभी हाथ में, दो तीन बार काटा भी है और इस तरीके से काटा, आप देखने से चौंक जाएंगे दोस्तों। ये हाथ में काटा, उसके बाद वो सांप जो है लगातार उनका पेट में घुस गया कपड़े के अंदर में, और कपड़े के अंदर भी काट के रखा था उसको जो से खींचे, उसके बाद जो है उनके लुंगी के अंदर भी घुस गया। आप देख रहे थे इस शख्स को पता नहीं ये कितना जहरीला कितना खतरनाक सांप, लेकिन वहां आसपास में जो व्यक्ति थे उनको कम से कम इसको सतर्क करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था, उनसे इस सांप छीन लेना चाहिए था, लेकिन लगातार इस सांप से खिलवाड़ कर रहे इस शख्स को बाद में हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद इनका मृत्यु हो गया। तो दोस्तों सबसे पहला बात यह है, भारत में हमारा लगभग जो तीन मेन जहरीला सांप है, एक स्पेक्टिकल कोबरा, एक रसल वाइपर, एक को करेंट, ये तीन सांप स्टेट वाइज लगभग हर सांप में स्टेट में पाया जाता है। लेकिन भारत में जितने भी सांप, चाहे वो स्पेक्टिकल कोबरा हो, चाहे रसल वाइपर हो, चाहे सॉस केल वाइपर हो, चाहे बैंडेड करेंट हो, चाहे कॉमन करेंट हो, ये सभी सांप में सबसे जल्दी मौत होने वाला, सबसे जल्दी जान लेने का बदनाम है वो है स्पेक्टिकल कोबरा। स्पेक्टिकल कोबरा में भी न्यूरोटॉक्सिन होता है, कॉमन करेंट में भी न्यूरोटॉक्सिन होता है, लेकिन स्पेक्टिकल कोबरा में जो न्यूरोटॉक्सिन होता है, ये न्यूरोटॉक्सिन बॉडी में बहुत जल्दी तेजी से काम करता है। हम लोग अक्सर जानते हैं कि आपका स्पेक्टिकल कोबरा जो है, ये स्पेक्टिकल का वन टाइम में जब भी स्नेक बाइट करता है कम से कम 63 मिलीग्राम ये वेनम इंजेक्ट करता है, लेकिन देख लीजिए लेकिन इसका 12 मिलीग्राम इसका वेनम अगर आपका बॉडी में इंसान में इंजेक्ट होता है तो इससे आपका एक वयस्क इंसान का जान ले सकता है, अगर इलाज ना हो। लेकिन अगर कभी कभी होता है कि 12 से कभी 15, कभी 30, कभी 40, कभी 45, कभी 50, जितने जहर जितना इंजेक्ट होगा उतना तेजी से असर करेगा, देख लीजिए। और ये कोबरा का ये जहर जब जैसे बॉडी में इंजेक्ट करता है ये न्यूरोटॉक्सिन होता है, लेकिन बहुत सारे आदमी ये कहते हैं न्यूरोटॉक्सिन के बाद
कभी के उस जगह में घाव हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है। लेकिन क्यों? सिर्फ हम जानते हैं कि हीमोटॉक्सिन में गैंग्रीन होता है, घाव होता है, नहीं। कोबरा में न्यूरो, कोबरा जब आपको बाइट करेगा उस समय में आपको नहीं होगा, लेकिन कभी बाइट करते समय लगातार आपको पकड़ के कुछ देर तक ज्यादा इंतजार इंगित करेगा, तो इसमें न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन के साथ साथ साइटोटॉक्सिन भी होता है। साइटोटॉक्सिन का काम यह है, ये आपको जहां पर बाइट करेगा उस जगह में धीरे धीरे गैंग्रीन घाव करेगा, सूजन करेगा और ये करेगा। तो ये स्पेक्टिकल कोबरा में होता है और उसके कुछ अंश होता है, ऐसा नहीं कि न्यूरोटॉक्सिन में कुछ अंश होता है। और ये इंडिया में कोबरा करेट रसल व्यापार में, रसल व्यापार भी स्लो डाउन पॉइजन होता है और कॉमन करेट भी स्लो डाउन होता है, वो देर से असर करता है। लेकिन भारत में सबसे तेजी से असर करने वाला सांप है वो स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको हम लोग गोहमन बोलते हैं, जिसको हम लोग फीटर बोलते हैं, जिसको हम लोग गोखरे बोलते हैं। ये सांप में सबसे बड़ी यह है कि ये जब भी बाइट करेगा सबसे तेजी से, वहां पर इतना दर्दनाक दर्द करता है, उसके तेजी से सूजन होता है। करेट में सूजन नहीं होगा, कोबरा रसल वाइपर में भी तेजी से सूजन होता है, लेकिन रसल वाइपर में कभी आपको जल्दी जान नहीं लगा, आपको समय देगा रसल वाइपर में। लेकिन स्पेक्टिकल कोबरा में अगर देन एंड देयर आपको अगर इलाज जल्दी ना हो, हम लोग कहते हैं कि 3 घंटा, लेकिन नहीं, बहुत समय हम ऐसा भी पेशेंट देखे हैं कि 1 घंटे के अंदर भी मौत हुआ है। और एक चीज जान लीजिए आप कि अगर कोई मरीज, कोई मरीज को स्नेक बाइट हुआ है, किसी कोई वो चाहे वेनोमस या नॉन वेनोमस, उस समय में अगर आपको बॉडी बहुत तेजी से हीट कर रहा या आपको चक्कर दे रहा, शरीर कहां पर, इसका मतलब नहीं है आपको जहर इंजेक्ट हुआ या जहरीला सांप काटा, ये डर के कारण भी होता है। मैं अभी 2 दिन पहले देखा, एक पेशेंट आया जिसको दोस्तों स्नेक बाइट हुआ था नॉन वेनोमस, और उस पेशेंट को मैं देखा हूं कि उसका बॉडी पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था, ऑक्सीजन लेवल इतना ज्यादा गिर चुका था कि वो जल्दी स्ट्रोक करने वाला था, और 2-2 हॉस्पिटल उसको मना कर दिया, उसके बाद यहां आया और उसको ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन मैं देखा कि अद्भुत है कि उसको बिना नॉन वेनोमस स्नेक बाइट, वेनोमस स्नेक बाइट किए हुए उसको इस तरह परिस्थिति हो चुका था कि जल्दी वो डेथ कर सकता था। तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध करते हैं, कभी स्नेक बाइट में डरे नहीं, डरिएगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगा और आपको ऑक्सीजन लेवल गिरेगा और उसके बाद आपको हृदय घात से, स्ट्रोक से आप मर सकते हैं। प्लीज दोस्तों, कभी भी कोई स्नेक बाइट हो पहले जान लीजिए, देखिए, हिम्मत रखिए, उसको डराइए नहीं। और ये सच जो कर रही पूरी तरह गलत है, आपके आसपास में ऐसा कोई करता है तो उसको रोकिए, उसको इस तरह करने मत दीजिए। दोस्तों आप सभी को अनुरोध है, इसी तरह सांप के बारे में हम फिर एक नया नॉलेज लेकर आएंगे। कोबरा, करेट और रसल वाइपर तीनों का भेनम का कितने क्वांटिटी में कितना इंसान का मौत होता है, उसके बाद कौन सा भेनम क्या बॉडी में क्या वार करता है, इसके बाद डेंड्रोटॉक्सिन और माइटॉक्सिन के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।